गुड इवनिंग गाइज। तो अभी शाम हो गई और दिन भर में बस यही किया था कि साफ सफाई की थी और मैंने मठरियाँ बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाया इस साल। तो मैंने हमेशा मैं कभी कोई मतलब कुछ ना कुछ मिठाइयाँ ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ मावा बनाया है तो उसका मैं कलाकंद बना लूंगी। और मठरी बनाई है, गुजिया वगैरह कुछ भी नहीं बना रही क्योंकि सब बाजार से ही ले आएंगे। अब की बार ज्यादा नहीं कर रही, पता नहीं क्यों ना, तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा अब की बार कुछ भी बनाने का। वरना हमेशा है ना, कई बार हमेशा है ना बनाने का मन करता है कि यार ये बना लूँ, वो भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, लेकिन अब की बार बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो अभी आए हैं ये 6 बजे, तो बस अभी हम लोग मार्केट 6 क्या 6:30 बजे आए हैं, ये सुबह के गए थे ना वो, तो अभी बस हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे। तो आज धनतेरस है तो देखते हैं कुछ। वैसे तो दिए दीपक वगैरह तो लाने ही हैं, उसके अलावा भी आज धनतेरस है तो क्या लेकर आते हैं। तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ में, तो देखते हैं हम लोग क्या लेकर आते हैं। लेकिन मंदिर जाने वहाँ मार्केट जाने से पहले बाहर धनतेरस है तो आज 2 दिए रखूंगी, तो पहले मैं दिए रख देती हूँ। तो हम बाहर दिए रखेंगे पहले। मम्मी चावल अच्छा दोनों में ही डाल रखे, दिखा नहीं था। नहीं नहीं वो दिखा नहीं था। अपने नहीं जलती क्या बाहर की लाइट है ये? नहीं खराब हो रही सारी, यहाँ रखो ना अगल बगल में कोने पर बस ना, इधर की तरफ अंदर की तरफ। मैडम चली एक और है ना, सारा वो सारा उसका तेल वेल सब फैला दिया। रुको ना, उससे पहले अभी थोड़ा जल जाना थे। ये कैसे बैठे हो, कैसे बैठे हो आगे पीछे मत, आपको कैसे करना, कैसे बैठे हो? ये ट्रैक्टर बड़े आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रश है। बाजार हमारा ऐसा ही नॉर्मल सा बाजार सजता है भाई, अभी तो कुछ ही नहीं सज रहा, क्या सजेगा। सजाएंगे, सजाने के लिए जगह भी तो होती है, बस सज रहा है। नहीं सबसे छोटी है, नहीं क्या ले रहे थे? अरे तो अभी तो कल आ रही है, आज भीड़ हो रही है ना सामान लेने। तो हम लोग यहाँ से अभी हल्दी धनिया नमक वगैरह खरीद रहे हैं क्योंकि धनतेरस के दिन नमक वगैरह ये भी खरीदना चाहिए, हल्दी धनिया ले रहे, बस पैसे दे रहे। बढ़िया बंदा, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं हाई सेकेंडरी पटाखे खरीदने के लिए। हमारे यहाँ पे है ना हाई सेकेंडरी में लगती है पटाखे की शॉप, तो मैंने अभी बनाया नहीं है, तो बहुत मतलब बहुत सारी शॉप लग रही है यार। इनके जहाँ जाओ ना वहाँ कोई ना कोई इनके जानकारी जानकार मिल जाते हैं भाई, मैं तो इनकी जानकारी से परेशान। पटाखे सारे
जो पहुंच वगैरह पटाखे खरीदने हैं। अनार चलाती है, सब चलाती है। क्या लेनी है? एक फुलझड़ी लेनी है। ये कौन सी है? लो सब मैडम पटाखे खरीदते हुए। ये तो ये बना जी फटाके देते हुए। तो गाइस हम लोग मार्केट जाके आ गए अभी, और मार्केट में इतना भयंकर वाला रश है कि क्या ही बताऊं। और जिसमें ज्वेलर्स की दुकान पे सुनार का तो इतनी वैष्णवी नहीं आई। एक दिन इसको इसकी फ्रेंड मिल गई ज्वेलर्स के, तो ये बोलती वैष्णवी आई थी नहीं आई। तो ना ज्वेलर्स की दुकान पे इतनी भयंकर भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। पूरा मार्केट आज फुल भरा हुआ है। तो हम लोगों ने नितिशा के लिए पटाखे खरीदे थे और कुछ ऐसे छोटा मोटा सा दिए लेने थे हम लोगों को, लेकिन है ना दिए के लिए हम बैग नहीं लेकर गए, तो कुछ भी थैला वगैरह। और वैसे लेकर आते पॉलिथीन में तो ला नहीं पाते क्योंकि और भी सामान था, तो इसलिए हम दिए नहीं लेकर आए। दिए कल ले आएंगे। और हमने धनतेरस की क्या शॉपिंग करी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। धनतेरस की शॉपिंग मैं सोच ही गई थी कि चलो कुछ ले आएंगे, कुछ सिक्का विक्का ले आएंगे, चलो देखेंगे वहाँ पे जाके दुकान पे जाके। लेकिन मुझे दुकान पे जाके पता चला कि ऑलरेडी इन्होंने धनतेरस की शॉपिंग तो मतलब बुक कर रखी थी, कि बस यूँ था कि धनतेरस के दिन उठा के ले आएंगे पेमेंट करके। तो क्या लेकर आए हैं धनतेरस के लिए? मुझे तो अपने मतलब पसंद वाला गिफ्ट के मिला है, और मम्मी को भी सरप्राइज गिफ्ट मिला है मम्मी को और मुझे। तो ये है हमारा धनतेरस। क्या मिला आपको? हाँ, इसको पटाखे मिले हैं। तो ये लेकर आए हैं हम हमारे लिए। ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मम्मी का। तो ये है मम्मी का गिफ्ट, जो कि इसके अंदर है मम्मी के लिए पायल चांदी के। भाई क्या भाव हो रहे हैं, 1,00,000 रुपए चांदी होगी, 1,00,000 रुपए। तो गाइस ये है मम्मी की सुंदर सी पायल, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी डिजाइन है। वैसे पसंद काफी अच्छी है इनकी, अच्छी डिजाइन है पायल की। ये मम्मी की पायल है। और मेरा गिफ्ट है जो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मम्मी का गिफ्ट है? नो, ये पापा का गिफ्ट है। नाम ये पापा का गिफ्ट है। ये है मेरा गिफ्ट। तो इसमें क्या हो सकता है? ऑब्वियसली रिंग हो सकती है इसके अंदर। तो ये है बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी रिंग छल्ला, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ देखते ही पसंद आ जाती है। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले है ना मार्केट गई थी, भाभी साहब के लिए मुझे इयररिंग्स खरीदने थे, इसलिए मैं मार्केट गई थी। तो कोई आया था शॉप पर, तो ना मतलब उनको छल्ले की फोटोज लेनी थी ओनली, बाकी और कुछ नहीं था। उनको उन्होंने खरीदा भी नहीं था, जिन जो लेने आया था उन्होंने तो खरीदा भी नहीं था, सिर्फ उनको फोटोज लेनी थी। तो वो जैसे चेक कर रहे थे ना ऐसे करके, तो फिर मेरी नजर है ना इस वाले छल्ले पर पड़ी। तो ये वाकई में हाथ में पहनने पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा था मुझे। तो मैं इनको बता रही थी, आदि कितना सुंदर लग रहा है ना अपन ले ले क्या। तो उस टाइम तो इन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर पता नहीं जाने कब गए ये और इन्होंने इसको बुक करवा दिया। बाकी मेरा साइज वाइज तो सब कुछ फिट आ ही रहा था, मैंने वहीं पे उसी दिन पहन के देख लिया था, तो इन्होंने उसी टाइम पे बुक करवा दिया था। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, बहुत ही सुंदर है। और बाकी मैं कभी कभी होता है मुझे ना मेरी कुछ लेने की इच्छा करती है, बाकी मैं इनसे मना कर देती हूँ फालतू, अरे यार रहने दो, क्यों खर्चा कर रहे हो, मेरे पास तो है चीज, रहने दो। बार त्योहार तो वैसे ही खूब सारे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब ये उस दिन मेरे से कह भी देते ना कि हाँ लेना है, तो मैं मना नहीं करती, लेकिन पता नहीं इन्होंने सोचा होगा कि बाद में अपन सरप्राइज दे देंगे, तो इसलिए इन्होंने कुछ उस दिन तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। क्या तो ये बाद में जाके है ना बुक करवाया है, तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी भैया। मैं पहन के भी दिखाती हूँ। सिंपल सोबर, बहुत ही प्यारा, कितना एलिगेंट लुक दे रहा है। चलो अब हम खाना बनाएंगे। क्या है आपका गिफ्ट? क्या तो पटाखे? वो तो मैंने ना दुकान पे दिखा दिए थे, जहाँ से खरीदे थे ना वहीं से दिखा दिए थे।
इसका गिफ्ट ऊपर रख दिया, पटाखे लेकर आए हैं बहुत सारे, जो है ना मैंने आप लोगों को दुकान पर दिखाई दिया था कि हम लोगों ने कौन कौन से पटाखे खरीदे थे। बस तो बस सब खाना बनाएंगे, सबसे पहले चेंज करूंगी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, 9 बज गए, फिर सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि कल छोटी दिवाली है और बहुत सारा सामान अभी फैला पड़ा है इनके चक्कर में, तो उसको समेटना है। तो ये बनते हैं, इसका छोटा सा ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारे गिफ्ट भी पसंद आए होंगे और ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा डमरू आ रहा है वो गिरता पड़ता इसको बड़ी देर से ना मम्मी रोक के बैठे हैं और आ रहा है। ध्रुव बाक है, बाक है, बाप पास आ रहा है वो, तो बाप ये बा बोलना सीखा है, दादी सा बोलती है और ये बा बोलना सीखा है बा। तेरे को दिखा देंगे, चल ठीक है।